दोस्तों, आज जहां जहां मोदी जी का साथ देने वाली सरकार है वहां विकास की गति डबल इंजन से भागती है। एक इंजन मोदी जी का और उसके साथ साथ दूसरा इंजन राज्य का, मुख्यमंत्री का। जहां डबल इंजन लग जाता है तो तेजी के साथ विकास होता है। लेकिन यहां तो राजस्थान में मोदी जी अगर आपके विकास को दिल्ली की ओर ले जाना चाहते हैं तो ये दूसरा इंजन लगाकर मद्रास की ओर जाने की कोशिश करते हैं और आप जहां के वहां रहते, इस प्रकार की अवस्था हमको देखने को मिलती है। इसलिए दोस्तों, आज आवश्यक है। कई बार लोग कहते हैं गहलोत जी ने क्या किया, गहलोत जी ने क्या किया। मैं उनको बताना चाहता हूं, गहलोत जी ने किया नहीं किया ऐसा नहीं है। गहलोत जी ने हमारे राजस्थान को पहले नंबर पर लाया। आज देश में सबसे ज्यादा बलात्कार राजस्थान में होते, बलात्कार में पहले नंबर पर राजस्थान आ गया। आज देखिए सबसे ज्यादा क्राइम राजस्थान में दिखाई पड़ता है तो राजस्थान पहले नंबर पर आ गया। आज भ्रष्टाचार में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार ये राजस्थान में हमको दिखाई पड़ता है तो राजस्थान पहले नंबर पर आया। तो हमारे गहलोत जी ने राजस्थान को पहले नंबर पर लाया, पर भ्रष्टाचार में, अनाचार में, दुराचार में, अत्याचार में राजस्थान को पहले नंबर पर लाया। अरे राजस्थान जो महाराणा प्रताप का राजस्थान है, जिस महाराणा प्रताप ने इस पूरे भारत में एक इस प्रकार का तेज जागृत किया था कि पूरा भारत उस समय उनसे प्रेरित होकर मुगलों के खिलाफ लड़ने लगा था। अरे मैं तो छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती से आता हूं, जिस धरती में छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों को रोकने का काम किया और स्वराज को तैयार करने का काम किया, उस धरती से मैं यहां पर आता हूं और महाराणा प्रताप जी को वंदन करने के लिए मैं आता हूं। लेकिन ऐसे हमारे गौरवशाली राजस्थान को जिस समय हम इस प्रकार से बदनाम होते हुए देखते हैं तो कहीं ना कहीं हिसाब मांगना पड़ेगा। और इसलिए ये यात्रा, ये परिवर्तन की यात्रा है। लेकिन परिवर्तन केवल सरकार का नहीं चाहिए, हमको केवल मुख्यमंत्री नहीं बदलना है, केवल कुर्सी नहीं बदलनी है, हमको परिवर्तन करना है आम आदमी के जीवन में, हमको परिवर्तन करना है किसानों के जीवन में, हमको परिवर्तन करना है युवाओं के जीवन में, हमको परिवर्तन करना है मजदूरों के जीवन में, हमको परिवर्तन करना है महिलाओं के जीवन में, हमको परिवर्तन करना है यहाँ की व्यवस्था में। जो व्यवस्था आपका पैसा खा जाती है उस व्यवस्था को बदलने के लिए भाई गजेंद्र शेखावत जी इस परिवर्तन यात्रा को लेकर निकले हैं।